खाने बनाने के बाद में उसको अच्छी तरह से नीचे नीचे से कच्चा रखो और साइड चारों तरफ से उसको पक्का करो। पक्का करने के बाद में आपको पक्का करने के बाद में उसी दिन में आप धूनी बना लो, पूर्णिमा के दिन में या दीपावली के दिन में। फिर उसी दिन रात को 10 बजे के बाद में आपको अपने धूनी के पास में आसन लगा के, आसन कोई भी लगा सकते हैं, वो धूनी के अंदर आपको एक चिमटा गाड़ना है। चिमटा कम से कम धरती के अंदर आधा फिट नीचे जाना चाहिए। फिर उस चिमटे को गाड़ने के बाद में पूरे चिमटे पे सिंदूर आप लगा दो। फिर जब मैं मंत्र में आप बताऊंगा, उससे पहले धूनी चिमटा ये सब आप रेडी कर लो रात को 10 बजे से पहले पहले। फिर जैसे ही रात का 10 बजता है तो 10 बजते ही आपको थोड़ा सा आटा लेके, आटे के अंदर नमक नहीं डालना है और एक रोटी बनाना है। रोटी यानी एक रोटी बनाना है रात को 10 बजे के बाद में चिमटे के धूनी के पास में बैठ के एक रोटी आप बनाओ। रोटी बनाने बना एक रोटी बना के अच्छी तरह से धूनी में आग चलाओ। रात को 10 बजे के 5 मिनट पर धूनी में आग चलाओ। फिर उस रोटी को आप उस चिमटे पर अच्छी तरह से सेको, यानी इधर उधर रोटी को करते रहो, इधर उधर रोटी को करते रहो और अच्छी तरह से धूनी में आग चलाने के बाद में रोटी को अच्छी तरह से सेको। सेकने के बाद में उस रोटी को अपने पास में रख लो। फिर रखने के बाद में रोटी के नीचे पूरी कपड़े वपड़े पर रखना है, उसको नीचे जमीन पर नहीं रखना है। फिर इस मंत्र को आपको 108 बार नहीं जप सकते हो, 21 बार, 31 बार, 51 बार इस मंत्र को आपको वहाँ पर बैठ कर जप करना है और कम से कम 1 महीने तक रेगुलर रोज रात को 10:15 बजे ऐसे ही रोज रोटी बनानी है, चिमटे पर सेकनी है और पास में रखनी है और इस मंत्र का जाप आप रेगुलर 1 महीने तक करना है। जब पहले कोई मंत्र तंत्र जाप नहीं किया हो, ये कोई भी आप कर सकते हो। ऐसे जो मैंने ये विधि बताया है और जब रोटी जाप पूरा हो जाए, रोटी सेक के ही पहले अपने पास में रखना है और मंत्र का जाप चालू करना है। मंत्र जाप करने के बाद में उस रोटी को कोई काला कुत्ता हो तो वहाँ पर उसको दे सकते हो। काला कुत्ता नहीं मिलता है तो कोई भी कुत्ते को आप वो रोटी डाल सकते हो। 1 महीने तक ये धूनी बना के आपको रोज रोटी नया बनाना है। जाप करने के बाद में रोटी को कुत्ते को डालना है और वापस अपने आप कहीं भी आप हो सकते हो। इस विधि विधान में आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन रखना पड़ता है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना पड़ता है। कहीं भी अगर आप जाते हो तो वापस रात को 10 बजे अपने घर पर आपको वापस आना पड़ता है। तो इस तरह से आप जो मैंने ये बताया है उसका ये आप अब सिर्फ मैंने मंत्र बताना बाकी है। इस मंत्र का आपको रेगुलर कंटिन्यू 1 महीने तक जाप करिए ताकि आपको इस मंत्र का जब आहुति विधि विधान 1 महीने का पूरा हो जाएगा तो ये मंत्र आपको किसी का रोग दोष हटाने में पूरा कामयाब साबित होता है। फिर आप कभी भी जैसे कोई भी मंत्र तंत्र टोना टोटका का जाप करते हो तो इसी दूरी पे बैठकर आप इसी धूनी में बैठकर आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हो। तो आपको हर तरह का कोई भी मंत्र होगा पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। अब मंत्र है, मंत्र का पूरी तरह से ध्यान से सुनिए।